हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल इंडियन नॉलेजेबल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल, हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको रीट जो सर्टिफिकेट है वो आजीवन होने जा रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जा रही है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, क्या है ये खबर। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का सर्टिफिकेट भी सीटेट की तरह लाइफ टाइम वैलिड किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने इस मामले पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। वर्तमान में रीट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 वर्ष है। 2015 से पहले इसकी वैधता 7 साल की थी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को सचिवालय में 4 घंटे तक शिक्षा विभाग की लंबित भर्तियों को लेकर बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज सचिवालय में शिक्षा विभाग की आयोजित बैठक में निजी शिक्षण संस्थान के मान्यता रीट परीक्षा कोड के अध्याधीन भर्तियों नए सेशन में विद्यालय में आ रहे स्टाफ के दायित्व विभाग में विभिन्न पदोन्नति एवं कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के संबंध में चर्चा हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोटासरा ने यह भी कहा है कि सीटेट के सर्टिफिकेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी की गई है, इसे भी NCTE की ओर जारी कर दिया जाएगा। दिशा निर्देश के विश्लेषण किया जा रहा है। अभी विमान विभाग को NCTE का पत्र नहीं मिला है। पत्र मिलने के बाद सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और रीट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम करने को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। विभाग चाहता है कि आगामी रीट के लिए फॉर्म रीओपन होने से पहले इस पर निर्णय कर लिया जाए। डोटासरा ने बैठक में बोर्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द EWS अभ्यर्थियों के लिए रीट की आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाए। बताया जा रहा है कि अगले माह से आवेदन का लिंक रीओपन किया जा सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने टेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया है। पहले यह 7 तक मान्य था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 जून 2021 को यह घोषणा की थी। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा था कि जिन उम्मीदवारों या छात्रों के प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन टेट की वैधता अवधि के पुनर्निर्धारण करने या नया टेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। यह व्यवस्था 2011 से प्रभावी होगी। राजस्थान रीट 2020 परीक्षा की नई तिथि के लिए 16 अभ्यर्थी इंतजार में है। राजस्थान रीट के परिणाम के बाद सरकार 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती करेगी। दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल, यूजफुल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ में। धन्यवाद।